दोस्तों क्वालिफायर मुकाबले में ओमान को हराकर श्रीलंका की टीम ने पॉइंट्स टेबल में लगाई लंबी छलांग। हार के बाद ओमान को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी पॉइंट्स टेबल की जानकारी बताएंगे सब कुछ आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2022 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले का 11वां मुकाबला श्रीलंका और ओमान टीम के बीच खेला गया, जहां पर श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। ओमान की ओर से अयान खान 41 को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और पूरी टीम 30.2 ओवर में 98 रन पर सिमट गई। श्रीलंका की ओर से हसरंगा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। जवाब में 99 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने लक्ष्य को 15 ओवर में चेज करके 10 विकेट से मुकाबले को जीत हासिल कर लिया। तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं श्रीलंका टीम के जीत के बाद वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों ग्रुप ए में वेस्ट इंडीज की टीम नंबर 1 पर आ चुकी है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है और दोनों में ही जीत हासिल करके 4 अंक अर्जित कर चुकी है। नंबर 2 पर जिम्बाब्वे की टीम चली गई है, जो 2 मुकाबले खेली है और दोनों में जीत हासिल करके 4 अंक अर्जित कर चुकी है। नंबर 3 पर नीदरलैंड की टीम पहुंच चुकी है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है जिसमें 1 जीती है और 1 हारी है। इसके पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। नंबर 4 पर नेपाल की टीम खिसक गई है, जो अब तक 3 मुकाबले खेली है और 1 जीती है और 2 हारी है। इसके भी 2 अंक है। नंबर 5 पर यूएसए की टीम है, जिन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेली है और तीनों मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में इसके 0 अंक है। बात करें दोस्तों ग्रुप बी टीमों की, तो नंबर 1 पर मौजूद है श्रीलंका की टीम, जिन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेली है और दोनों में जीत हासिल करके 4 अंक अर्जित कर चुकी है। नंबर 2 पर स्कॉटलैंड की टीम है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है जिसमें इन्होंने 2 जीते हैं। इसके भी 4 अंक हैं। नंबर 3 पर ओमान की टीम पहुंच गई है, जो अब तक 3 मुकाबले खेली है और उसमें 2 जीते हैं और 1 हारे हैं। इसके पॉइंट्स टेबल में 4 अंक हैं। नंबर 4 पर आयरलैंड की टीम है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है और दोनों मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में इसके 0 अंक है। दोस्तों नंबर 5 पर यूएई की टीम है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है और दोनों मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में इसके भी 0 अंक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।